साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का विनर कौन होगा? एक तरफ है कवेत तो दूसरी तरफ है इंडिया, दोनों के दरमियान में फाइनल होने जा रहा है। हिस्ट्री ये बताती है कि इंडिया सैफ चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा कामयाब टीम है। अब देखना ये है कि कवेत जीतेगा या इंडिया जीतेगा। वैसे तो देखा जाए तो फुटबॉल की लोगों को काफी नॉलेज नहीं होती, हमें भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू क्रिकेट, लेकिन जितना भी देखा है उसके लिहाज से एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे कि फिलहाल मेरे लिहाज से मुझे कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर बात करें इससे पहले जो सेमीफाइनल हुए, कवेत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराया, लिबनान को हराया, इंडिया ने पेनल्टी के ऊपर 4-2 से लोग जीते, तो मतलब के दोनों टीमें जीत कर आ रही है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया, पाकिस्तान को कवेत ने भी 4-0 से हराया। इन दोनों टीमों के दरमियान में आपस में भी मैच हुआ जो कि एक एक गोल से कहते ना लेवल हुआ था, लेकिन देखा जाए दोनों टीमों का मुकाबला किया जाए तो इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा कामयाब टीम दोनों ही है। हमें तो जिसको कहते हैं ना दोनों टीमों ने 4-4-0 से हराया तो हमारे लिए तो दोनों ही खतरनाक होगी, लेकिन सवाल ये आता है कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा, आज की टीम कौन सी मजबूत है, कौन सी टीम में दम है कि वो आज का मुकाबला ले जाएगी। जो मुझे लगता है, जो मेरा दिल कह रहा है कि आज वो मुकाबला जीतेगी, क्योंकि अगर हम एक हिस्ट्री को देखें, एक्सपीरियंस को देखें, तो इंडिया जिसको कहते हैं ना सैफ चैंपियनशिप की कामयाब तीन टीम है। इंडिया बड़े ज्यादा टाइटल जीती है, तकरीबन 8 टाइटल इंडिया जीता हुआ है, और इंडिया के पास जो एक प्लेयर है ना सुनील, ओहो, मतलब कि इनका मेन स्ट्राइकर है। एक तरफ अर्जेंटीना के पास मेसी है, पुर्तगाल के पास रोनाल्डो है, तो इंडिया के पास सुनील है। हालांकि मैं कंपैरिजन बड़ा हैवी प्लेयर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के लिहाज से सुनील बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसकी एज भी आप देखिए उसके बावजूद जिस किस्म का वो फिट बनता है ना, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया को जितवा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आज का चैंपियनशिप का जो मुकाबला है ना, ये जो फाइनल है इंडिया के अंदर ही हो रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो तो 197 से और नीचे चली गई, 205 के ऊपर ये लोग चले गए। पाकिस्तान की टीम बहुत पुअर हो चुकी है फुटबॉल के अंदर। दूसरी तरफ इवन कि आप ये देखो कि बांग्लादेश की टीम ने भी सेमीफाइनल खेल लिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने खेल पे, तो हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर बात करें आज के फाइनल की, तो मुझे लगता है कि ना कवेत काफी टफ टाइम देगी इंडिया को, क्या पता पेनल्टी के ऊपर मैच भी चला जाए, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं। जब दो टीमें अच्छी खेल रही है, जैसे वर्ल्ड कप में आपने देखा था फ्रांस और अर्जेंटीना का मुकाबला, दोनों टीमें अच्छी थी, तो मुकाबला क्या हुआ पेनल्टी के ऊपर गया। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे भी मुकाबला जो होगा ना पेनल्टी के ऊपर जाएगा, और फाइनल में धमाका हो जाएगा अगर पेनल्टी के ऊपर मैच आ गया, क्योंकि फिर तो कोई भी जीत सकता है ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो इंडिया की टीम है ना वो थोड़ी सी बेटर है, उसको एडवांटेज है, एक्सपीरियंस है, होम कंडीशन का एडवांटेज भी है, और कवेत की टीम अच्छी है, लेकिन इंडिया से एज कम्पेयर टू, क्योंकि इंडिया के पास सुनील नाम का एक प्लेयर है वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ना इंडिया जिसको कहते हैं ना आज की चैंपियनशिप जीत जाएगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आपको क्या लगता है आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। 7 बजे मुकाबला शुरू होगा, तकरीबन 9 बजे करीब मुकाबला खत्म हो जाएगा। हमारे पास चैंपियनशिप का जिसको कहते हैं ना साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियन हमारे पास होगा, जो कि इंडिया ज्यादातर जीती हुई है, लेकिन क्या एक और टाइटल जीतेगी आज पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए जल्द ही थोड़ी देर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।